तो ये है हॉस्टल, बाहर से ऐसा नज़र आता है। ये फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, आगे भी और हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के बच्चे रहते हैं। ये तो हमारी वार्डन का रूम है, ये कुछ एक्स्ट्रा रूम्स हैं, और ये है स्पेशल रूम। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, देखते हैं कौन। ये है मिस्टर, दिस इज मिस्टर कन्नू, दिस इज मिस्टर दिशा। ओ भाई ये देखो, इनको कभी कभी हंसी का दौरा पड़ जाता है। इनको भी सच्चाई का एहसास हुआ तो इनकी आंखें खुल गई हैं। ये मिस रवीना कब आ गई, मिस शैली कुछ एक्शन वैक्शन करके दिखाइए हमारे व्यूवर्स के लिए। चले हट। हाय आशा, आशा के कहने पे मैंने उसमें फोकस किया, बाकी उसमें फोकस करने लायक कुछ नहीं है। अब शैली का रूम देखा जाए। शैली अपना रूम दिखाओ सबको। शैली का थोड़ा इलाज चल रहा है, साइकाइट्रिस्ट डिपार्टमेंट से इसका इलाज चल रहा है भाई। ये पागल है, ये अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश हो, खाने का सामान, और ये अकेले अकेले हमें दे भी नहीं रहे हैं। ये अपनी बुआ के घर से आई है। चलो ये तो मैं उठा ले जाऊंगी। अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश। हाय जुगानिया, कोमल फ्रॉम राजस्थान। चलो भाई आगे चलते हैं, ये भी अंधेरा है जिस कमरे में, उस कमरे में चलते हैं। ये अंशु और भूमिका का कमरा, यहाँ पे पांडा भी है, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा। हाय आशा, ये नेहा ज्योति कैसे बनी, इसकी पूरी स्टोरी आपको सुनाई जाएगी। ये मिस जैस्मीन, हाय जैस्मीन, और ये मिस जैस्मीन का कमरा। आपकी रूममेट कहाँ है जैस्मीन जी? गई हुई है, वो एरिया है हमारा, मैस 7 बजे खुलता है। हालांकि हम इस मैस में खाना नहीं खाते क्योंकि हमें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, तो हम जो हमारा थर्ड हॉस्टल है उसका नाम है स्वर्ण जयंती, हम वहाँ पे खाना खाते हैं। क्यों आशा? और ये एक किचन है, यहाँ पे रात को 12 बजे मैगी बनती है। और ये एरिया है, ये हमारा गेस्ट रूम है। ये हमारी बैच के बच्चे, ये जो इंसान ब्लैक टी शर्ट में दिन रात पढ़ती रहती है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर, और इसके 2 पोर्शन है, एक यहाँ पे, ये ऊपर जा रहे हैं, ये लिफ्ट्स हैं, ये बालकनी इधर भी है, दिखा देते। ये है फर्स्ट फ्लोर की बालकनी, और ये ऐसा व्यू आता है यहाँ से। एक्स्ट्रा रूम्स हैं, और उधर भी बालकनी है, वहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं हम लोग। ये है मेरा रूम, इसका कभी आपको रूम टूर अलग से कराएंगे। ये जो सामने से एक लड़की दिखाई दे रही है आपको जाती, इसे कहते जिया। ये है रूम नंबर 15, यहाँ पे कुछ पढ़ाकू बच्चे रहते हैं। ओ मिल गए सारे एक साथ, इनके रूम की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। आगे चलते।
यहाँ पे अभी सबने रूम लॉक ही कर रखे हैं। अब आपको स्पेशल रूम में लेके चलते हैं, स्पेशल रूम, रूम नंबर 24। वैसे तो इस रूम का एक और नाम है कॉमन रूम। यहाँ पे बैठे मैं, ये रूम इतना साफ नहीं रहता, लेकिन आज वीडियो के लिए इस लड़की ने, गौर से देखिए, इस लड़की ने साफ, और ये लड़की ऐसी नहीं रहती जैसी ये अभी लग रही है, वीडियो के लिए इस लड़की ने इस प्रकार के कपड़े पहने। ये एक नंबर की झूठी सी यार है, हमारी सबसे बड़ी झूठी। और आप इसके चैनल पर ना जाइए, अभी बनाया आप एक जितेंद्र मलिक नाम से चैनल, इसको एडिट कर दिया जाएगा। नहीं, ये मिस चेतना, कुछ आप कमेंट करना चाहेंगी? इशिका एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है, इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वाह, थैंक यू चेतना, थैंक यू। और जिया कॉमन रूम से मैं बाहर निकाल दे के, चलिए चलिए अब अगले रूम में चलते हैं। ये थोड़ा ये यहाँ से एक साइड जैसे मैंने दिखाई थी, एक साइड ये है और एक साइड उस तरफ है। अब उस तरफ देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ तो सभी पढ़ ही रहे हैं। हाय कविता, वेयर इज योर रूममेट? कविता, कविता इज अलोन। साफ सुथरा रूम, साफ सुथरा कराया भैया, बहुत ही मेहनत करी है कविता ने अभी। ये पूरी की पूरी आर्ट हमारे सीनियर्स ने बना रखी है। ये थोड़ा पढ़ाकू बच्चों का रूम है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाई पढ़ाई मिलेगी, क्योंकि MBBS कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे। हेल्थ कॉन्शियस लोग, क्या पढ़ा जा रहा है साक्षी? ओ यहाँ पे कुछ और भी है, ये पूरे हॉस्टल के लिए लाती है साक्षी, काफ़ी अच्छी है। क्या पढ़ा जा रहा है साक्षी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर गाइड टेन एंड होल ब्रेन पढ़ा जा रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं नीतू जी? एनेटमी, गुड, कंटिन्यू गाइस। ये एक और, ये लड़की आपको हर जगह मिलेगी, ऐसे प्राणी इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये आपको हर जगह दिख जाएगी इधर उधर। हमारे बैच की सबसे कट कट। और यहाँ पे एक और बैल्कनी है, ये हमारा मेस है, शो आपको दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। हाँ, और ये लिफ्ट काम करते हैं, यूं ही नहीं है, काम करती हैं, फिर हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे।
रूबी और रूबी की रूममेट सो रही हैं। रूबी पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रहे हो रूबी? ये आपको एनाटॉमी पढ़ते हुए नजर आएंगे। वाह। हाय गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। दरवाजा नहीं खोल रहे। अगले रूम में चलते हैं। ये कुछ राजस्थान के लोगों का रूम है। हाय हाय मनीषा। सॉरी मीनाक्षी, भूल जाती हूँ। टॉपर बच्चे का नाम भूल गई। सॉरी। क्या पढ़ रहे हो टॉपर जी? मैं तो भी इंस्टा चला रही। अच्छा, अभी तो ये इंस्टा चला रही है, लेकिन उसके नीचे जो दिख रही है वो आपको एनाटॉमी की बुक है। तो ज़्यादातर प्राणी, जैसे मैंने कहा था, एनाटॉमी पढ़ते हुए मिलेंगे। में चलते हैं, ये आपको स्पेशल रूम में लेके चलते हैं। डॉग साहब का रूम है ये, डॉक्टर काजोल इंदौरा। हाय डॉग साहब। हाय यार, कैसे हो? बढ़िया हूँ डॉग साहब, आप बताओ। डॉक्टर साहब, आपका रूम तो काफी ही साफ साफ नजर आ रहा है। वो डॉक्टर साहब का एप्रन है। और डॉक्टर साहब, और ये देखो, ये आपकी रूममेट। मेंटेन करना पड़ता भाई, रूम को क्लीन नहीं होता। ओहो, देखो ये मेंटेन करते हैं डॉक्टर साहब। आप कुछ नहीं करते? दोनों से होता है। आई एम सीनियर। हाँ जी हाँ जी, ये थोड़े सीनियर है एक्चुअली। ये देखो डॉक्टर साहब के रूम में, एक तरफ फास्ट फूड, एक तरफ फ्रूट्स। गुड, अच्छा बैलेंस है डॉक्टर साहब। ये देखो, इसे कहते हैं पढ़ाई। पूरे रूम पे ऐसे ही आपको चार्ट्स मिलेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, मिलते हैं आपसे फिर कभी। आना। जी डॉक्टर साहब। ये देखो, ये रूम दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पूरी दीवारों पे आपको ये सब मिलेगा। कॉन्शियस हो जाती हूँ, इसलिए इस रूम से टाटा बाय बाय। खुशबू, अरे मिस ज्योत्सना, ये सुपर पढ़ाकू बच्चा आपको दिख ही जाएगा। खुशबू बच्चे टेस्ट करो, देखो हमारा हॉस्पिटल। तो गाइस, आज अंशु का बर्थडे है और उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस हो रही हैं कुछ इस तरह। ये अंशु की रूममेट, ये आशा, और ये अटेंशन सीकर, इसका तो पता ही है आपको। मैंने अभी थोड़ी बहुत डेकोरेशन कंप्लीट कर दी है, अभी इसमें कुछ लाइटिंग वाइटिंग बाकी है, पर ये कुछ बलून्स वाला काम और ये हार्ट बनाया है हमने, इन लोगों ने किया है ये सारा काम। मतलब इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया और इसने थोड़ा बहुत किया है। ये देखो भाई, इन्होंने ये डेकोरेशन की है, इसने बिल्कुल नहीं किया। जो सबसे ज्यादा ऐसे कर रही है, इसने बस दो गुब्बारे फुलाए हैं, कुछ नहीं। ये देखो दिख रही है ना। अभी हम अंशु को बुलाने वाले हैं, तो अभी हम सब उसका वेट कर रहे हैं। अब Okay.